अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अरकम न्यूज HD। मैं हूं नादिया अनवार। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का थर्म खिताब, कोई आईन और कानून से बालातर नहीं, तरक्की के दुश्मनों को शिकस्त फाश होगी, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। चीन ने मुश्किलात के बावजूद CPEC में तावुन किया, 4 साल में ट्रांसमिशन लाइन पर काम नहीं हुआ, वजारत तवानाई जल्द से जल्द काम मुकम्मल करे। चीफ जस्टिस ने कहा अदलिया को ऑडियो टेप से बदनाम किया जा रहा है, इदारे को बदनाम करने वाली इन टेप्स की कोई अहमियत नहीं, सब्र से काम लेकर इदारे का तहफ्फुज़ करेंगे। गुलाम महमूद डोगर के तबादले के खिलाफ अपील खारिज, शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो मदाखलत करेंगे। इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से रोकने का हुक्म वापस, 24 मार्च तक तमाम इदारों से मुकदमात की तफसीलात तलब, लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स, हुक्म इम्तना बरकरार रखने का जवाब नहीं। इमरान खान की जमानत मनसूखे की दरख्वास्त पर फैसला महफूज, इल्जाम आरिफ नकवी पर है, इमरान खान ने तो रकम वसूल की, अदालत ने मजीद कहा डाके के पैसे से जकात देने का जुर्म क्या लेने वाले पर डालेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क्स, अगर रिकॉर्ड गायब है तो जिम्मेदार बैंक है, स्टेट बैंक ने नोटिस नहीं लिया तो केस काबिल समाअत ही नहीं। पंजाब असेंबली इंतखाबात, मरियम नवाज के कागजात मंजूर, मरियम नवाज ने बजरिया नुमाइंदा कागजात की जांच पड़ताल कराई। मरियम औरंगजेब कहती हैं बैनुल अक्वामी लॉबिस्ट खाना जोइंगी के लिए मुतहरिक हो गई है, जलमे खलीलजाद का ट्वीट इसी मंसूबे की कड़ी है, मुजरिम के हैंडलर्स सामने आ रहे हैं, लॉबी अपनी कठपुतली बचाने के लिए सामने आ चुकी है। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए अरकम न्यूज HD।